हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर वन पूरा कंप्लीट करा दिया था और कुछ होमवर्क भी दिया था आपको। आई होप आपने वो कर लिया हो, क्योंकि किसी बच्चे का मेरे पास अभी तो कोई डाउट के रिगार्ड में तो आया नहीं चैप्टर की कोई क्वेश्चन वोशन आपको बताना हो। और कुछ बच्चों ने मुझे टेस्ट के लिए बता दिया कि सर हम टेस्ट के लिए रेडी हैं संडे में, तो उन बच्चों को टेस्ट हो जाएगा। और तो आज हम चैप्टर टू शुरू कर लेते हैं। अगर फिर भी आपको चैप्टर वन में कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, क्योंकि कुछ ज्यादा बच्चों की क्वेरी तो आ नहीं रही है। अब क्वेरी नहीं आने के दो ही कारण हैं, या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है और या आपने अभी तक मेरी सारी वीडियो अभी तक पूरी देखी नहीं है। तो जो भी है देख लेना अगर आपका टाइम लगे तो। तो हम आज चैप्टर टू शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर टू का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर हैं, उनके बीच में जो रेशियो है प्रॉफिट का वो चेंज होना है। अब अगर रेशियो चेंज होगा तो उस चेंज की वजह से काफी कुछ बातें चेंज हो जाती हैं, तो उस बारे में पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ते हैं सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपकी पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो गया है। मतलब आपका जो एग्रीमेंट है उसमें चेंज हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जो आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसमें वो चेंज आ गया। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ब्रिंग टू एन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। अगर पुराने एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उससे क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो जाता है और उससे फिर एक नया एग्रीमेंट बन जाता है। दिस चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। इस चेंज की वजह से पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप के पार्टनर्स में उनके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू, वैसे तो फर्म कंटिन्यू रहती है, इट्स अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तब पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एग्रीमेंट में कब कब चेंज होता है। पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम यही है। ठीक है जी, सपोज मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर जो फर्म में रेशियो बांटते हैं 3:2:1 में, इन फ्यूचर उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट आने वाले समय में 3:1 करेंगे। मतलब पहले एक प्रॉफिट के तीन हिस्से होते थे, दो हिस्से ए को मिलते थे और एक हिस्सा बी को मिलता था। अब उन्होंने कहा हम उस प्रॉफिट के चार हिस्से करेंगे, तीन हिस्से ये खाएगा और एक हिस्सा इसे मिलेगा। इट अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्टनर दो ही हैं लेकिन रेशियो में कुछ चेंज आ जाता है। पहले 2:1 था, अब 3:1 हो गया। एक और है, उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर कोई पुराना पार्टनर है उसके साथ साथ कोई नया पार्टनर भी जिसमें एडमिशन ले लेता है, दाखिला ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल चारू एंड दिनेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दो पार्टनर चारू दिनेश 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम एडमिशन देंगे सुधा को एज ए न्यू पार्टनर और उसे हम देंगे प्रॉफिट में 25% 1/4 का हिस्सा। तो इस नए पार्टनर के आने की वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनेगा किसके बीच में, चारू दिनेश और सुधा के बीच में। तो इस चीज को भी हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये भी इससे नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ही है। उसके बाद आता है आपके पास रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होता है जब कोई पुराने पार्टनर में कोई एक आदमी रिटायर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट। बबीता गीता एंड सीता आर पार्टनर इन अ फर्म, जैसे प्रॉफिट बांटते हैं 1:2:3। अब सीता रिटायर हो जाती है अपनी मर्जी से फ्रॉम द फर्म ऑन मार्च। इस चीज को भी हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म। फिर आता है आपके पास डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे भी हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं 1, 2, 3 और ये चौथा, ये सारे आपके पास आगे चैप्टर्स के रूप में आपको पूरे पूरे डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। और एक और आता है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन आपके पास नहीं है कोर्स में, ये तो आपके पास अगर आप बीकॉम में जाओ तो वहां या एमकॉम में जाओ वहां पढ़ने को मिलता है। लेकिन मैं आपको अमलगमेशन का मतलब बता देता हूं। सपोज करो दो पार्टनरशिप फर्म है, एक ए बी चलाते हैं और दूसरी पार्टनरशिप चलाते हैं सी और डी। सपोज करो ए बी शूज फैक्ट्री, ए और बी के पास शूज फैक्ट्री है और सी और डी के पास भी शू फैक्ट्री है। ठीक, अब ए और बी और सी और डी एक दूसरे के राइवल हैं। ठीक, ए और बी साथ हैं और बी सी और डी भी साथ हैं। अब सपोज करो इन्होंने सोचा चारों ने एक काम करते हैं, अलग अलग बिजनेस करने से एक साथ इकट्ठा मिलके काम करते हैं।
अब ए और बी और सी और डी ने क्या किया, एक नई फैक्ट्री शुरू कर दी, सपोज करो नाम उसे नाम दे दिया जेड। ठीक, तो जब दो पार्टनरशिप फॉर्म मिलके काम करते हैं उसे हम बोलते हैं अमलगेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक, पढ़ लेना बुक्स आप सबके पास है। नेक्स्ट कहते हैं, अब हम बात करते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि हमें इसी के बारे में बात करनी है। कहते हैं समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभार पार्टनर अपनी इच्छा से ही प्रॉफिट रेशियो में कुछ चेंजेस आते हैं। जब चेंज इन एसेट ड्यू टू द चेंजेस इन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो चेंज क्यों आता है, या हो सकता है कि किसी ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा लगा रखी हो, किसी ने कम लगा रखी हो, और इन एक्टिविटी इन एक्टिव पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट हो सकता है, कोई पार्टनर एक्टिव पार्टिसिपेट करता हो और दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेट ना करता हो, तो जो पार्टिसिपेट करता है वो ज्यादा हिस्सा चाहेगा, या जिसने कैपिटल ज्यादा लगा रखी वो ज्यादा हिस्सा चाहेगा, तो उस वजह से हमें कभी कभार अपने एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर मे एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ न्यू वन और मोर अदर पार्टनर। ठीक है, ये हो सकता है, देखो ना दो पार्टनर हैं ए और बी। ठीक, इसे मैं ऐसे समझाता हूं, यहां समझना। सपोज करो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये ठीक, अब हम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ए और बी दो पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं, हम परसेंटेज में समझ लेते हैं 60% और 40%, ये इनका है ओल्ड रेशियो। ठीक, सपोज करो सारा जो काम करता है वो बी करता है। ठीक, बी ने कहा भैया कि आप कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते और आप ज्यादा हिस्सा लेते हो, मुझे कम मिलता है, आने वाले समय में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट 50-50 करना है, 50% ही आपको मिलना चाहिए और 50% ही मुझे मिलना चाहिए, इसे हम बोलेंगे न्यू रेशियो। अब पुराने रेशियो से हम नए रेशियो पे आए, तो पहले बी को 40% मिल रहा था, अब बी को 50% मिलेगा, तो बी को कितना गेन करना पड़ेगा, कितना गेन कर लिया बी ने, 10% एक्स्ट्रा गेन कर लिया। ऐसे ही अगर बी ने गेन किया, भाई प्रॉफिट तो 100% ही है ना, परसेंटेज तो 100 ही है, अगर बी ने गेन किया 10%, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी ना किसी से ये 10% इसने किसे खाया ही होगा, किसी और का हिस्सा इसने लिया होगा। पहले ए को फिर 60 मिलता था, अब ए को 50 मिल रहा है, तो नुकसान किसे हो रहा है, ए को, कितना परसेंट, 10% का। यहां पे बी ने तो कर लिया गेन, 10% एक्स्ट्रा मिला है, और ए ने करा सैक्रिफाइस। ठीक, यही समझाने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट एट द कॉस्ट और वन ऑफ द अदर पार्टनर, अदर पार्टनर से कुछ लेगा। इन सच अ केस इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द पार्टनर इट इज नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट इन कैपिटल। अब बिजनेस के अंदर इक्विटी बनाने के लिए, समानता बनाने के लिए हमें किस चीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, गुडविल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है एसेट्स और लायबिलिटी की, रिजर्व को ठीक करना पड़ता है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को ठीक करना पड़ता है, लॉस को। दीज एडजस्टमेंट आर सिमिलर टू द मेड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, और यही एडजस्टमेंट आपको, आप चाहे चैप्टर एडमिशन पढ़ लो, चाहे आप रिटायरमेंट पढ़ लो, चाहे आप डेथ पढ़ लो, यही एडजस्टमेंट जो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊँ वही आपकी आगे चलती रहेंगी। ठीक, तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी, जो मैंने आपको बताया, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट रेशियो, क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, जो मैंने यहां पे आपको बताया कि गेन किसने कितना गेन किया और किसने कितना सैक्रिफाइस किया, ये निकालना पड़ेगा। ठीक, अब इसे निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक तो इनका पुराना रेशियो चाहिए और एक इनका न्यू रेशियो चाहिए। ठीक, उससे आप एडलेस करोगे तो आपको सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो पता लग जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को हमें एक एक पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा, आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट कहते हैं, फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा रिजर्व और एक्युमुलेट प्रॉफिट का, फिर आपको रिजर्व एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन वर्सेस लायबिलिटी, और लास्ट में फिर आपको कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। यही पांच एडजस्टमेंट है, यही आपको इसी चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी, यही आपको इस नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन, फिर उससे यही चैप्टर आपको रिटायरमेंट, और यही फिर एडजस्टमेंट आपको डेथ में पढ़नी पड़ेगी। यही पांच एडजस्टमेंट चलती रहेंगी, अब इसके अलावा और कुछ नया नहीं चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि वो एडजस्टमेंट हर चैप्टर में कैसे एडजस्ट किए जाते हैं वो अलग अलग कहानी है। ठीक,
सर पहले बात करते हैं सैक्रीफाइस रेशियो। सैक्रीफाइस रेशियो जो मैंने आपको बताया यही है कि किसने कितना सैक्रीफाइस किया। सैक्रीफाइस का मतलब कि रेशियो चेंज होने की वजह से किस पार्टनर को नुकसान हुआ और किस पार्टनर को फायदा हुआ। ठीक, तो कहते हैं वेन एवर देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ द वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब रेशियो चेंज होगा तो किसी पार्टनर को तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे इसने किया, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो कोई और हिस्सा भी कोई और हिस्से में खा ले लेगा। ठीक, सपोज करो यहाँ पे तीन पार्टनर होते तो ऐसा हो सकता है ये 10% में से 5% ए बी को मिल जाता और 5% सी को मिल जाता। तो वो कहना चाह रहा है कि किसी पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिससे कि कोई पुराना पार्टनर उस हिस्से को गेन कर सके। ठीक, अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं तो गेन कैसे कर लेगा कोई। कहते हैं द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट रेशियो इज कॉल्ड सैक्रीफाइस रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला सैक्रीफाइस का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं लिख के। सैक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, ये था ओल्ड रेशियो लिखा हुआ ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में हमारे पास ओल्ड रेशियो कितना था 60%, उसमें से हमने माइनस किया 50% मतलब न्यू रेशियो। ठीक, और द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रीफाइस रेशियो, अब सैक्रीफाइस रेशियो में क्यों निकाल रहा हूं उस बारे में आपको बाद में बताऊंगा। द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रीफाइस रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनी टू बी पेड टू द गेनिंग पार्टनर। चलो बता देता हूं, देखो आपको पता ही है ये दुनिया बहुत मतलबी है, कोई किसी के लिए कुछ फ्री में तो करता नहीं। अब ए ने, ए को पहले ओल्ड रेशियो की बात करें तो ए को 60% मिल रहा था और बी को 40% मिल रहा था। अब बी ने कहा भैया कि मुझे भी रेशियो आपके बराबर ही चाहिए। इसने कहा ठीक है मैं 10% तुझे दे देता हूं और वो 10% तू ले लियो, लेकिन अगर मैं 10% सैक्रीफाइस करूं, अगर मैं 10% सैक्रीफाइस करूं तो मुझे क्या मिलेगा बदले में। भाई ए ने बिजनेस में पैसे ज्यादा लगा रखे होंगे या कुछ भी हो सकता है, तो ही तो 60% हिस्सा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। अब उसे ज्यादा 10% छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे तो वो छोड़ेगा नहीं कि उसने कहा चल तू मेरा दोस्त है और मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि जहां पैसा आता है वहां कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। इसे हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज करो आप और आपका एक दोस्त, सपोज करो दो बच्चे हैं, एक ए है एक बी है, वो पिज्जा खरीद लिया उन्होंने, उस पिज्जा के उन्होंने 60 और 40 के रेशियो में बांटते हैं। ठीक, अब बी ने कहा कि भाई हर बार तू ही ज्यादा खाता है, इस बार मुझे भी तेरे बराबर ही खाना है। ठीक, क्योंकि जब ए ज्यादा खा रहा है तो ए पैसे भी ज्यादा भर रहा होगा। सपोज करो उस पिज्जा के लिए ए 60 रुपए देता है और बी 40 रुपए देता है। ठीक, अब बी ने कहा कि भैया मुझे भी तेरे बराबर ही हिस्सा खाना है, तो ए ने कहा ठीक है भाई अगर तुझे मेरे बराबर हिस्सा खाना है तो मैं तो हर बार 10 रुपए फालतू देता हूं, इसमें से खा ले तो 10 रुपए और वो 10 रुपए तुम मुझे दे दियो, बात बराबर हो जाएगी। बात समझ में आती है। तो अगर कोई किसी के लिए कुछ सैक्रीफाइस करता है तो उस सैक्रीफाइस के बदले वो उससे पैसे जरूर मांगेगा। अब सवाल ये आता है वो पैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो बात की बातें हैं। तो मेरा मेन मकसद ये कि सैक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो क्यों निकालना है, जिससे मुझे जिस आदमी ने सैक्रीफाइस किया है मैं उसे पैसों में कंपनसेट कर सकूं। मैं कौन, मतलब जिसने गेन किया है। गेनिंग पार्टनर सैक्रीफाइस पार्टनर को हमेशा जितना उसने हिस्सा खाया उस हिस्से के बदले वो उसे उतने उसे पैसे दे देगा। ठीक, अब बात कैसे आएगी वो बहुत बात अलग है, उसे हम बाद में देखेंगे। कहते हैं द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रीफाइस रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर हमारे केस में बी है, गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब पेड बाय बी टू ए। हमारे केस में गेनिंग पार्टनर बी है और सैक्रीफाइस पार्टनर है, दैट इज द पार्टनर हु हैज डिक्रीज इन रिजल्ट ऑफ चेंज। सच कंपनसेशन इज यूजली पेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द गुडविल। अब ये पर्पज पैसे कैसे दिए जाते हैं, गुडविल के रिगार्ड में हम उसे प्रोपोर्शनेट पैसे दे देते हैं। ठीक, अब बात आती है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। ठीक, आपने कहा सर निकल तो गया, इसने सैक्रीफाइस किया इसने गेन कर लिया, इसने अगर 10% सैक्रीफाइस किया तो उतना ही उसने गेन किया होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 10% छोड़ रहा है तो 10% ही गेन करेगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि अगर ये 10% सैक्रीफाइस करे 10% ही गेन करे, क्योंकि हो सकता है यहां पार्टनर दो के बदले 5 होते, तो अलग अलग हरेक के लिए ये क्या पड़ेगा कि किसने कितना कितना सैक्रीफाइस किया और किसने कितना कितना गेन किया। ठीक, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है।
L result of change in the profit sharing ratio of one or existing partner, gaining proportion of each partner. The gaining ratio formula दिया हुआ है new minus old. हमने ये कैसे निकालना था? ये हमने क्या किया था? हमने इसमें से new ratio में से हमने old less कर दिया था. मतलब 50 में से जब मैंने 40 less किया तो ही तो plus का 10 आया. ठीक. तो gaining का formula है new ratio माइनस ओल्ड. ठीक. आपने कहा सर कोई ये तो बड़ा इजी हो गया, याद हो गया. सही बात, इसका ओल्ड माइनस न्यू, इसका न्यू माइनस ओल्ड. मतलब ये इधर आ गया, इधर चला गया, तो फॉर्म रेशियो चेंज हो गया. ठीक. बात तो बहुत इजी है, अभी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा भूल जाओगे. ठीक. क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा कि सेक्रीफाइस में ओल्ड पहले है या न्यू पहले है, या गेनिंग में न्यू पहले है या ओल्ड पहले है, इसमें आप कंफ्यूज होगे. तो मैं इसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, आपको कैसे याद हो जाएगा. गाने तो आप सभी सुनते होंगे, तो गाने सुनने के लिए आप क्या यूज करते हो? गाने को हम बोलते हैं सॉन्ग, SONG. आप सॉन्ग याद करें तो फॉर्मूला बन जाएगा, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. ये बन गया ना, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फॉर्मूला है उल्टा चलेंगे, गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड. बस आपको ये याद कर लेना एक बार, आपको ये फॉर्मूला जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे. सॉन्ग सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड. ठीक. ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं और आपको मेरी बात और इजीली क्लियर हो जाएगी. ठीक. ये तो बच्चे मैंने आपको परसेंटेज में समझाया, जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में करने हैं. मैंने परसेंटेज समझाने के पीछे था जिससे आपको बात इजीली समझ में आ जाए. ठीक. अगर इसी बात को मैं फ्रैक्शन में भी कर देता आप तब भी सॉल्व कर देते, कोई बड़ी बात नहीं थी. चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं. देखो, ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3. मतलब ए और बी दो पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में. 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं, मतलब दो हिस्से ए को मिलते हैं और एक हिस्सा बी को मिलता है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 उन्होंने एग्री किया कि हम प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे, मतलब 1:1 कर. कैलकुलेटर कहते हैं इंडिविजुअल पार्टनर का सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालना. ठीक. बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन. इन क्वेश्चन को करने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बस. कैसे ही सॉल्व करते वो बात है. लिखते हैं ओल्ड रेशियो, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो क्या है इनका ओल्ड 2:1, मतलब 2:3 तो 2/3 और 1/3. न्यू रेशियो क्या है इनका 1:1, मतलब 1/2 और 1/2. हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो. हम निकाल लेते हैं ए के लिए. फॉर्मूला लिखना पहले, सेक्रीफाइस का लिख लेते हैं. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस SONG, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए के लिए निकाल लेते हैं. ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए की बात कर रहा हूं, ए का ओल्ड कितना है 2/3. ठीक. और इसका न्यू रेशियो कितना है 1/2. अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो 90% बच्चों को तो बात पता है, हंसना मत. 90% बच्चों को तो बात पता है, पर कुछ बच्चे 10% हैं जिन्हें वो बात नहीं पता. तो मेरी बात सुन लेना, ये मत कहना कि सर ये क्या बता रहे हो, तो हमें पहले से पता था. ठीक है. तो बच्चों अगर आपको किसी को फ्रैक्शन में लेस करना हो ना, जैसे ये 2/3 में से 1/3 घटाना है, तो कुछ बच्चे हैं जो जिन्हें थोड़ा नहीं पता या पता है तो यूज नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, मैं कहता हूं ये 2/3 में से 1/2 लेस करो, तो कहते हैं सर बहुत ईजी है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और 3 में से 2 गया वो 1 आ गया, और सर वही हो गया तो ये 1 आ गया. ठीक. बच्चों ये फ्रैक्शन में माइनस ऐसे नहीं होता, फ्रैक्शन में माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है. मैं मानता हूं काफी बच्चों को पता, पर फिर भी मेरी बात सुन लेना कि मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको बता रहा हूं. ठीक है जी. पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, ये तीन और दो का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. मतलब एलसीएम का मतलब है इन 3 और 2 के टेबल में
ऐसा नंबर जो तीन के टेबल में भी आता हो और दो के टेबल में भी आता हो और वो सबसे नंबर छोटा हो। एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो आपने बचपन में किया था थ्री और टू का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे नंबर से काटो जो दोनों में आता हो, नहीं आता तो थ्री से कट जाएगा, एक बार ये थ्री वन जा और ये टू, और ये टू से कट जाएगा। ठीक है, ये तो ये तो एलसीएम क्या आ गया, थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स। ठीक, तो अब आपको छह ले लेना है नीचे। ठीक, मतलब वो छह वो नंबर है जो तीन के टेबल में आता है और दो में भी आता है और सबसे छोटा नंबर वो है। तो अब आपको क्या करना है, इस छह की इस तीन से डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे, ये देखो छह की तीन से डिवाइड करो, थ्री टू जा सिक्स। ठीक, अब ये टू बचा, इस टू की इस ऊपर टू से मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, माइनस का सिंबल लगा लिया। ऐसे ही इस छह की अब दो से डिवाइड करो, तो टू थ्री जा सिक्स और बचा क्या, तीन, और तीन की एक से मल्टीप्लाई आ जाएगा थ्री। तो अब माइनस करो, ये आ जाएगा चार में से तीन गया एक, ये आ जाएगा सिक्स। ठीक, बात समझ में आती है, गुड। जिसे बात पता थी बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता थी कोई बात नहीं बच्चों, आप सब सीखने ही तो आए हो यहां। ठीक, तो परेशान मत होना, जिसे पता थी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और जिसे नहीं पता थी कोई बात नहीं, सीख लिया आपने, सीखना ही तो आए तो हैं। ऐसे बच्चों हम बी के लिए निकाल लेंगे। ठीक, बी के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका, बी का ओल्ड कितना है, वन बाय टू, बी का न्यू कितना है, सॉरी बी का ओल्ड कितना है, वन बाय थ्री, और न्यू कितना है, वन बाय टू। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, वही आ जाएगा छह, वही करेंगे थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा और थ्री, तीन में से दो गया माइनस का वन बाय सिक्स। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, अगर आप फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, अब ध्यान सुन लेना मेरी बात, अगर आप फॉर्मूला चला रहे हो सेक्रीफाइस का, फॉर्मूला चाहे आप सेक्रीफाइस के चलाओ, फॉर्मूला चाहे आप गेन के चलाओ, कोई फर्क नहीं है, सेक्रीफाइस में ओल्ड पहले आ जाएगा, गेनिंग में न्यू पहले आ जाएगा। ठीक, फर्क ये है, क्योंकि मैंने ये बी के लिए भी मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला चलाया है। अगर आप फॉर्मूला चला रहे हो सेक्रीफाइस का और फिगर आ जाती है प्लस की, भाई प्लस का सिंबल दिख नहीं रहा लेकिन प्लस का सिंबल होता तो है, तो अगर वो आप फॉर्मूला चला रहे हो सेक्रीफाइस का और वो फिगर आ जाती है प्लस की, तो वो ही जो आप निकालने की कोशिश करते हो वही सेक्रीफाइस है। अगर आप फॉर्मूला चला रहे थे गेन का, ठीक, अगर आप फॉर्मूला चला रहे थे सेक्रीफाइस का और कोई फिगर वहां पे प्लस में ना होकर माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब जो आप निकालने की कोशिश कर रहे थे ना वो इसका रिवर्स है, मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं, ये गेन है। और यही बात अगर मैं कहूंगा आपको कि आप गेन का फॉर्मूला चलाते, आप करते पहले न्यू माइनस ओल्ड, तो यहां ये फिगर सेक्रीफाइस हो जाती और ये गेन हो जाती, बस यहां पे ये नेगेटिव हो जाता और यहां पे ये पॉजिटिव हो जाता। ठीक है जी, क्योंकि आप फॉर्मूला क्या चलाते, न्यू माइनस ओल्ड, और आप निकालने की कोशिश कर रहे थे गेन। अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ना चलाए गेन का फॉर्मूला चलाते तो आप यहां पे लिखते न्यू माइनस ओल्ड, तो ये जो फिगर आती ये आ जाती नेगेटिव, और फिर आप निकालने की कोशिश कर रहे थे गेन और वो निकल के आता सेक्रीफाइस। ठीक, और यहां ये फिगर आती प्लस की, तो ये जो प्लस की आएगी जो आप निकालने की कोशिश वही निकल के आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना, वरना इस बात में बच्चों ये समझ नहीं आता कि सर मैं चला तो रहा था सेक्रीफाइस और निकल के आ गया वो गेन कैसे। कोई बात नहीं, फॉर्मूला आप कोई भी चला लो, सेक्रीफाइस चला लो, गेन चला लो, बुक में मोस्टली सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला चलता है, क्योंकि बुक में एक ही चीज दी हुई थी कि सबको ओल्ड माइनस न्यू याद रहता है, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फॉर्मूला चला लो, जो आप अगर फॉर्मूला चला रहे हो अगर वो फिगर प्लस में रहती है तो वही सेक्रीफाइस है, और अगर उसके फॉर्मूला चलाया सेक्रीफाइस का और फिगर रहती है नेगेटिव तो वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो है गेन। ठीक, इसका मतलब ये है कि इस केस में रेशो चेंज होने की वजह से बी को तो करना पड़ा सेक्रीफाइस वन बाय सिक्स का, और जितना ये सेक्रीफाइस किया वो सारा सारा बी ने गेन कर लिया। बात समझ में आती है, अब इसी बेस पे आप अपनी बुक से इलस्ट्रेशन नंबर टू ट्राई करेंगे और क्वेश्चन नंबर वन और टू ट्राई करेंगे। जो मुझे बताना था वो मैं आज बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गुडविल के बारे में बताऊंगा। ठीक, इलेवंथ में मैंने आपको बताया था गुडविल के बारे में, ट्वेल्थ में बताऊंगा, तो आज मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको गुडविल के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।